नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवैध खनन की जानकारी देने वाले को मिलेगा हजारों रुपए का कैश इनाम। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई शुरू। परीक्षा को लेकर ईओयू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बच्चों को ई पुस्तकालय की जानकारी देंगे नोडल अधिकारी। अब बिहार में आसानी से मिलेगा बिजली कनेक्शन। फास्टैग के नियमों में बदलाव के बाद यूजर्स को करना पड़ेगा ये जरूरी काम। आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा अंतिम वनडे मुकाबला। आप चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने फील्ड वर्कर के पदों पर निकाली भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC द्वारा झारखंड फील्ड वर्कर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 510 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत जरूरी है कि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कम 10वीं पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम के तहत होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। अवैध खनन की जानकारी देने वालों को मिलेंगे हजारों रुपए के कैश इनाम। अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए बिहार सरकार एक खास योजना शुरू कर रही है। इस योजना के तहत जो भी अवैध खनन की जानकारी देगा उसे उस व्यक्ति को कैश में इनाम दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मंगलवार को मुहर भी लग चुके हैं। इसके तहत ट्रैक्टर की सूचना देने वाले को 5,000 रुपए तक के इनाम और ट्रक जैसे बड़े वाहनों की सूचना देने पर 10,000 रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे। सूचना देने के लिए आपको खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव के नंबर 9473191437 या खनन विभाग के सचिव के नंबर 9939596554 पर कॉल करना होगा। आज से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई शुरू। परीक्षा को लेकर ईओयू ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। आज से बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन 6 दिनों में होगा, जिसमें 7 अगस्त के अलावे 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त शामिल है। आज परीक्षा आयोजन का एकल पाली में होगा, जिसकी समय सारणी दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के करीब में है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अपने प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी 9:30 बजे से 10:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचेंगे। ध्यान रखें, परीक्षा शुरू होने के 1.5 घंटे पहले ही गेट बंद कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान देने से बचें। ईओयू DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा से संबंधित किसी तरह की अफवाह फैलाने वाले या इस तरह की अन्य शिकायत पर 8544428404 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल आईडी sp@cyber_bih@gov.in और cybersale_bih@nic.in पर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब बिहार में आसानी से मिलेगा बिजली कनेक्शन। बिहार में अब लोगों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए ज्यादा दौड़ भाग नहीं करना होगा। अब बिजली का कनेक्शन आपको बड़े ही आराम से मिल जाएगा। दरअसल बिहार सरकार बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने जा रही है। इस नए नियम के तहत आप बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन नाम में बदलाव, लोड बढ़ाने या घटाने जैसे काम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा एक खास वेबसाइट और मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे, जिससे लोगों के पास ऑफलाइन आवेदन के अलावे ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन भी मौजूद हो। नए नियम के मुताबिक शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों के अंदर बिजली कंपनियों को आवेदन के बाद बिजली कनेक्शन देना जरूरी होगा। यदि बिजली कंपनी ऐसा नहीं करती है तो कंपनी को हर दिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि अभी इस नए नियम को लेकर 14 अगस्त तक PERC द्वारा सुझाव भी मांगे गए हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे औरंगाबाद जिला के बारे में। बिहार में यदि आप औरंगाबाद जिला घूमने या घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस जिले में यहाँ कई ऐसी जगह हैं जिससे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर कई घूमने की जगहें हैं जिसमें कई धार्मिक पर्यटन स्थल भी शामिल हैं, जिसमें देवकुंड, उमगा, अमजहर शरीफ, पवई, माली और चंदगढ़, पीरू सीरीज जैसे कई प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं।
बिहार के 13 जिलों में बेशकीमती खजाने की खोज करेगी जेएसआई। बिहार के 13 जिलों में बहुमूल्य रत्न और पत्थरों की खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करने वाली है। इन जिलों में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, मुंगेर, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा जिला शामिल है। जीएसआई इस काम को 130 दिनों में पूरा करेगी। आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में कई खनिज तत्व के होने की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद उन जिलों में सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दे दी है। इसके लिए संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। आज खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन की है अंतिम तारीख। बिहार खेल मंत्रालय और बिहार खेल प्राधिकरण की तरफ से बिहार के खिलाड़ियों की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए बिहार के खिलाड़ियों को आवेदन करना होगा। आज आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। आवेदन करने के लिए खिलाड़ियों को scholarship.bihar.org पर जाना होगा। यहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यूजर नेम, आधार कार्ड और पासवर्ड डालकर अपना अकाउंट बनाना होगा। फिर लॉगिन करने के बाद एडिट प्रोफाइल में जाकर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दें। फिर मांगी जा रही निजी जानकारी भर दें। डॉक्यूमेंट में आए यहाँ मांगे जा रहे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। बैंक पासबुक के फोटो आदि अपलोड कर दें। इसके बाद अपने अचीवमेंट वाले टैब में अपने खेल के सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड कर दें। इससे आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी सुधार और छोटी जमाबंदी का काम होगा ऑनलाइन। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर डिजिटल जमाबंदी सुधार और छोटी जमाबंदी का काम ऑनलाइन होने जा रहा है, ताकि बिहार में म्यूटेशन प्लस में दाखिल खारिज की परेशानियों को कम किया जा सके। समाहर्ता और आयुक्त के राजस्व न्यायालय को राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में जोड़ दिया गया है, जिससे ऑनलाइन मामले न्यायालय में दर्ज हो पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में इस नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। यदि ई म्यूटेशन के तहत खाता खेसरा, रकबा, नाम, जमाबंदी और साक्ष्य से संबंधित आवेदन में यदि त्रुटि पाई जाती है तो अंचलाधिकारी आवेदक के पास इसे ऑनलाइन ही वापस कर पाएंगे। होम स्टे योजना का विस्तृत प्रस्ताव हुआ तैयार। बिहार घूमने आने वाले पर्यटकों और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे योजना के विस्तृत प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। जल्द ही इसे राज्य कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में पर्यटन केंद्र से अधिकतम 5 किलोमीटर और जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी पर जिनका घर है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे मकान मालिक अपने घर का इस्तेमाल पर्यटकों के रुकने के लिए कर सकते हैं, यानी आपके घर में ही होटल की सुविधा पर्यटकों को दी जाएगी। इससे लोगों की कमाई भी घर बैठे ही हो सकेगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके घर और आसपास की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो। बांग्लादेश में तख्ता पलट की स्थिति देख बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ी सख्ती। इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति काफी बिगड़ी हुई है। इसे देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की यदि संदिग्ध वस्तु दिखाई दे तो तुरंत इसकी जानकारी दे। इसके लिए आप टोल फ्री नंबर 1-4-4-3-2 या 1-1-2 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इधर उधर की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि कटिहार और किशनगंज बांग्लादेश की सीमा के नजदीक है। यहां पुलिस 24 घंटे अपनी निगरानी बनाए हुए है। वहीं इस मामले में मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में शांति व्यवस्था जल्द बहाल हो, यही हम चाहते हैं। केंद्र सरकार भी इस मामले पर नजर बनाए रख रही है। एटीएम से कटे फटे नोट निकालने की परिस्थिति में तुरंत करेगी काम। कई बार एटीएम से पैसे निकालने के दौरान एटीएम से कटे फटे और पुराने नोट निकल आते हैं। ऐसे स्थिति में कई लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। एटीएम से कटे फटे पुराने नोट निकालने पर इसे बैंक से बदलवाया जा सकता है। इसके लिए आरबीआई ने एक खास नियम बना रखा है। जिस भी एटीएम से कटे फटे नोट निकले हैं वो एटीएम जिस बैंक से लिंक्ड है वहाँ वो नोट लेकर जाना होगा। इसके बाद वहाँ जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय और कितने पैसे निकाले हैं ये सारी जानकारी देनी होती है। इसके साथ ही आपको एटीएम मशीन से निकली मिनी स्टेटमेंट की कॉपी भी रखनी होगी या फिर ट्रांजेक्शन की डिटेल्स एप्लीकेशन में बतानी होती है। इन सभी डिटेल्स को देने के बाद बैंक तुरंत आपके कटे फटे पुराने नोट को बदल देगा।
बिहार में 21,000 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल की एफसीआई खुले बाजार में करेगा बिक्री। बिहार में 21,000 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल को भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई खुले बाजार में बेचेगा। क्षेत्रीय कार्यालय में बिहार क्षेत्र महाप्रबंधक अमित भूषण ने इसकी जानकारी दी है। चावल उत्पादों के निर्माता, चावल प्रोसेसर, मिलर और गेहूं खरीदारों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय में अमित भूषण ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ई नीलामी के जरिए राज्य के 11 गोदामों से चावल की बिक्री होगी। बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यापारी 1 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक टन की खरीदारी कर सकते हैं। ये वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली ई नीलामी होगी। 21,000 एमटी में से 14,000 एमटी रॉ फोर्टिफाइड और 7,000 एमटी पार्ड बॉइल्ड फोर्टिफाइड चावल है। बिहार राज्य फिल्म विकास के तहत अब 5 करोड़ रुपए का मिलेगा अनुदान। मंत्री परिषद में बिहार में बनने वाली फिल्म को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तहत आने वाले बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश राशि को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। इसकी जानकारी IPRD बिहार के जरिए दी गई है। पटना हाई कोर्ट में हुई MP MLA के खिलाफ लंबित मुकदमों पर सुनवाई। मंगलवार को पटना हाई कोर्ट में राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को लेकर सुनवाई हुई है। इस मामले पर चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई है। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई में सभी जिला जजों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कोर्ट द्वारा इन मामलों की मॉनिटरिंग करते हुए राज्य के जिला जजों को 6 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में आगे भी सुनवाई की जाएगी। बच्चों को ई पुस्तकालय की जानकारी देंगे नोडल अधिकारी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय ई पुस्तकालय द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऐप की सुविधा शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से बच्चों को दी गई है। इस पुस्तकालय में हर उम्र के बच्चों के लिए हर तरह की किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। इस ई लाइब्रेरी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके बच्चे पढ़ या सुन सकते हैं। CBSE ने संबद्धता प्राप्त सभी स्कूल से एक नोडल ऑफिसर की जानकारी मांगी है। फिर इन नोडल ऑफिसर्स के लिए राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की टीम एक प्रशिक्षण आयोजन करेगी, जहाँ इन नोडल अधिकारियों को इस ऐप के बारे में और इसका उद्देश्य आदि बताया जाएगा, ताकि ये नोडल अधिकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों को इस ऐप का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। प्रशिक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9319703004 पर संपर्क किया जा सकता है। फास्टैग के नियमों में बदलाव के बाद यूजर्स को करना पड़ेगा ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकती है परेशानी। टोल टैक्स की वसूली के लिए फास्टैग के नियम में बड़े बदलाव किए गए हैं। 1 अगस्त से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान ने नए फास्टैग नियम लागू कर दिए हैं। फास्टैग के नए नियम के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक यूजर्स को 3 से 5 साल पहले जारी किए गए सभी फास्टैग के लिए KYC अपडेट करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा फास्टैग नियमों में बदलाव के बाद अब यूजर्स को अपने वाहन की पूरी जानकारी देनी होगी। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और ओनर का मोबाइल नंबर को भी इससे लिंक करना होगा। इसके अलावा जिन लोगों ने हाल ही में कोई नया वाहन खरीदा है, उन्हें 3 महीनों का समय दिया जाएगा। ऐसे यूजर्स को 90 दिनों के भीतर ही फास्टैग पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना होगा और साथ ही यूजर्स को वाहन की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी, जिसमें वाहन के आगे का हिस्सा बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। 3 किलो सोने के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। सोना तस्करों पर राजस्व सूचना निदेशालय पटना इकाई द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के तहत पटना जिला में हाथीदह के पास कार में से कुल 28 सोने के बिस्किट जब्त हुए हैं। इसका वजन करीब 3 किलो 262 ग्राम के करीब में है। बाजार में इसकी कीमत करीब 2,34,00,000 रुपए आंके गए हैं। जांच में पता चला है कि सोने के ये बिस्किट तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मालदा के रास्ते कोलकाता लाया गया था। फिर इसे मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था, ताकि मुजफ्फरपुर में से कुछ आभूषण विक्रेताओं के संरक्षण में खपाया जा सके। इस मामले में गिरफ्तार हुए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल दोनों तस्करों के नाम और पहचान को गोपनीय रखा गया है।
मॉनसून हुआ सक्रिय, बिहार के इन जिलों में बारिश की संभावना के बीच येलो अलर्ट हुए जारी। बिहार के कई जिलों में सावन आते ही मॉनसून सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद कुछ जगहों पर हल्की मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जमुई जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 30 से 32 डिग्री और कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। 1543 लीटर शराब के साथ चार तस्कर हुए गिरफ्तार। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,265 बोतल विदेशी शराब को जब्त किया है। इस दौरान इन तस्करों के पास से 3 मोबाइल और 1,22,900 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। जब्त किए गए शराब की अनुमानित कीमत 5,00,000 रुपए लगाई गई है। इस मामले को लेकर ASP सदर स्वीटी सोहरावत ने बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कमरे में तस्करों ने शराब छिपाकर रखा है। इनपुट के आधार पर टीम ने नरेश सिंह गली में छापेमारी की, जिसके तहत एक घर से अलग अलग ब्रांड के 1543 लीटर विदेशी शराब के साथ चार तस्कर गिरफ्तार किए गए। बरसात के मौसम में सभी स्कूलों में लगेंगे फलदार पौधे। मध्यान्ह भोजन निदेशालय की तरफ से राज्य के सभी स्कूलों में कम से कम एक फलदार पौधे बरसात के मौसम में लगाने की बात कही गई है। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि स्कूलों में उक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं, साथ ही मुख्यालय को इसकी प्रगति रिपोर्ट भी भेजें। सभी प्रधानाध्यापक अपने अपने स्कूल में इसकी पहल करेंगे। इस अभियान से बच्चों के बीच पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी आएगी और बच्चों को पेड़ के फल भी मिलेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने चुनावी राजनीति से लिया संन्यास। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने 3 दिवसीय नमन यात्रा के दौरान बक्सर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से खुद को अलग करने की घोषणा की है और कहा है कि 70 साल की उम्र के बाद चुनावी राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। चौबे ने स्थानीय भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद केवल एक ही होता है और कोई खुद को सड़क या संसद बताकर अपनी भूमिका का नहीं बढ़ा सकता है। लोकसभा चुनाव में हार पर बात करते हुए चौबे ने कहा कि ये व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि घमंड की हार है। उन्होंने कहा कि बक्सर से अंतिम सांस तक उनका संबंध बना रहेगा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक बार फिर से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा लालू यादव और तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल किया गया है। 13 अगस्त के लिए अदालत द्वारा आरोप पत्र और दस्तावेजों की जाँच के लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे अब 13 अगस्त को मामले की सुनवाई होने वाली है। आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा अंतिम वनडे मुकाबला। आज भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है। अभी तक हुए 2 मैचों में बल्लेबाजों के प्रदर्शन निराशाजनक देखने को मिले। अब भारतीय टीम के पास सीरीज बचाने का आज आखिरी मौका होगा। भारत को आज तीसरे वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में स्पिनरों पर हावी होकर खेलना होगा, ताकि भारत श्रीलंका से 27 साल बाद सीरीज गंवाने से बच जाए। आपको बता दें कि साल 1997 में भारत को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी बार वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था। आपके मुताबिक आज भारतीय टीम का कैसा प्रदर्शन होने वाला है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। आज के दिन वर्ष 1941 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में मुंबई नगर निगम को बिजली और परिवहन व्यवस्था औपचारिक रूप से हस्तांतरित की गई थी। आज के दिन वर्ष 1985 में गीत सेठी ने विश्व इमैच्योर बिल्डर्स चैंपियनशिप अपने नाम किया था। गीत सेठी ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बने थे। सरकार गिरने को लेकर वायरल हो रही है खबर। टाइम्स एक्सप्रेस नाम के एक यूट्यूब चैनल के थंबनेल में सरकार गिरने से संबंधित दावा किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह के फर्जी दावे पर किसी को भी शेयर करने से बचे। यदि कोई भी इस तरह की खबरें शेयर कर रहा है तो उसे भी आगाह करें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अगस्त, ऑप्शन बी है 3 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अगस्त, ऑप्शन डी 1 अगस्त। इसका सही उत्तर है 3 अगस्त। हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में कौन ICRCMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है अर्पित दीक्षित, ऑप्शन बी है सतीश शुक्ला, ऑप्शन सी है डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज, ऑप्शन डी है संजय व्यास। इसका सही उत्तर है डॉक्टर ग्रेसन जॉर्ज। कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों और बिहार के छोटा नागपुर के उत्तरी ढलानों में किस तरह का जंगल पाया जाता है? ऑप्शन ए है तराई वन, ऑप्शन बी है शुष्क और मृत वन, ऑप्शन सी है नम और मृत वन, ऑप्शन डी है सदाबहार। इसका सही उत्तर है शुष्क और मृत वन। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी है जहानाबाद, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है बेगूसराय। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है संजय शर्मा, विनेश यादव, कृष्णा प्रसाद, राजकिशोर महतो, पंकज कुमार दास, सुमन कुमार मिश्रा, विनय कुमार, गुनर शर्मा, राजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद असगर कमाल, मोहम्मद साकिर हुसैन, मुन्ना प्रसाद, कस्तूरी शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में स्मार्ट मीटर बिजली को लेकर आने वाली शिकायतों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।